हमारे भारत की प्राचीन घटना है। नाथ संप्रदाय का नाम आप सभी ने सुना होगा, नाथ संप्रदाय अपने भारत का बहुत अच्छा संप्रदाय है। उस नाथ संप्रदाय के आदि गुरु हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, परम तपस्वी संत थे, बहुत कठोर तपस्या करते, भिक्षांतरण करके अपने जीवन को चलाया करते थे, अर्थात 5-7 घरों की भिक्षा लेते, उस भिक्षा में उनको जो भी कुछ मिलता और उसी भिक्षा को लेकर के वो अपने जीवन को चलाया करते थे। एक दिन ऐसे ही मच्छिंद्रनाथ जी महाराज एक माई के घर के बाहर गए, आवाज लगाई, आदेश आदेश आदेश। अपने सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में तो माई भिक्षाम दही आदि शब्दों से बुलाया जाता है, लेकिन नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय में आदेश की भाषा में सारी बात होती है। गए कहां, आदेश आदेश आदेश। घर के भीतर से एक महिला बिल्कुल उदास खन्य चेहरा था, दबे कदमों से आई, उसके चेहरे पर उसका दुख स्पष्ट रूप से झलक रहा था। महात्मा जी के पास जैसे ही पहुंची, संत मच्छिंद्रनाथ जी महाराज पहचान गए कि ये माई दुख में है। उन्होंने भिक्षा लेने से पहले उसको दुख का कारण पूछा, और संत तो होते ही करुणा का सागर है, और सच्चा संत केवल मात्र लेने का बहाना करता है, हकीकत में तो वो देने के लिए आता है। भिक्षा लेने से पहले महाराज जी ने पूछ लिया, मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने, माई तेरे जीवन में कोई दुख है? कहते हाँ महाराज, बांझड़ी का आरोप लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, संतान नहीं है, जहाँ जाओ वहाँ रोग, बांझड़ निपुति बांझड़ निपुति। कहते महाराज जी ने उस मैया का दुख समझा। इस संसार में नारी समाज के लिए बांझ से बड़ा आरोप और कोई नहीं हो सकता। उस मैया के दर्द को समझ करके महात्मा जी तुरंत अपने झोले में हाथ डाली, बबूत निकाली, उस मैया के हाथ में थमा दी कि माई ये बबूत ले ले, तो ये बच्चा हो जाएगा, खा लेना, और भिक्षा लेकर के वो तुरंत वहां से निकल पड़े, चल दिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, फिर 12 वर्ष हो गए। 12 साल के बाद की घटना है। 12 साल बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उसी रबार से निकल रहे थे, तो उनको याद हो आया, अरे आज से 12 साल पहले मैं यहाँ पर बबूत देकर के गया था, देख तो लो कि मेरे बबूत के प्रभाव से किस तरह की संतान का जन्म हुआ है। इसलिए वो वापस उस मैया के घर के बाहर चले गए, बाहर जाकर के वापस आवाज लगाई, आदेश आदेश आदेश। घर के भीतर से वही महिला उदास बिल्कुल खन्न दुखियारी वही दूसरी की उसी मुद्रा में आई। अब की बार तो महाराज जी भिक्षा लेने गए नहीं थे, इसलिए झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले उन्होंने कहा, माई मुझे पहचाना कि नहीं महाराज? कहते मैं 12 साल पहले आया था, बबूत देकर के गया, पहचाना? हाँ मैया, बस मैं उस बच्चे को देखने आया हूँ कि उस बबूत के प्रभाव से किस तरह की संतान का जन्म हुआ, जरा बच्चे को बुलाना। उस मैया ने गर्दन नीचे झुका ली। क्या हुआ, आपको बच्चा नहीं हुआ? हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना, मुझे बच्चा तो नहीं हुआ। क्यों, तूने मेरी दीवी बबूत नहीं खाई? कि महाराज जी माफ करना, लेकिन मैंने आपकी दीवी बबूत नहीं खाई। क्यों नहीं खाई महाराज? संत महात्माओं पर मेरा बड़ा विश्वास है, लेकिन बात ऐसी है कि जिस दिन आपने मुझे वह बबूत दी थी, उससे समय आपने मुझे सुनने कहने सुनाने का मौका दिया नहीं। वो जिस दिन आपने बबूत दी थी, उससे 5 साल पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। अब मुझ विधवा को अगर बच्चा हो जाता तो ये जमाना मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ता, इसलिए महाराज माफ करना, मैंने उस बबूत को नहीं खाया। कहते फिर उस बबूत का क्या किया? कि महाराज आपका दिया हुआ प्रसाद था, इधर उधर तो कैसे रखती, 2 दिन तक पल्लू पर बांध करके घूमी, फिर किसी संत भगवान के मुख से कथा सुनी तो उन्होंने कहा इस धरती पर सबसे पवित्र चीज गौ माता जी का गोबर है, मैंने ला करके वो राख गाय माता जी के गोबर में डाल दी, और वो गोबर संभाल के रखा है। महाराज आपका दिया हुआ प्रसाद था, ऐसा थोड़ी ना कहीं डालते, ठीक है लिया। घर के अंदर वो गोबर उसने अभी भी रख रखा था, वो गोबर सूख करके अब कंडा बन गया था, उपला बन गया था, उसके ऊपर रखी हुई वो राख अभी भी दिखाई दे रही थी। जैसे महाराज जी के सामने उस मैया ने वो गोबर कंडा रखा, उसके ऊपर वो राख दिखाई दे रही थी, उसी राख की ओर उंगली करके महाराज जी ने कहा, गो रख
गाय माताजी के गोबर में रखा हुआ। गोरख उठ, यू कहते ही उसमें से 12 वर्ष गोरखनाथ जी महाराज श्री का प्रकटीकरण हो गया। अब थोड़ा सा विचार करके, सोच करके, समझ करके बताओ, जिन गाय माताजी के गोबर में से गोरखनाथ जी जैसे महाराज जी का, सदसंत का, सदशिष्य का, एक महान शिव अवतार का प्रकटीकरण हो जाता हो, ऐसी गोबर की दाता वह भगवती गौ माता जी भला पशु प्राणी ढोर मवेशी जानवर हो सकती है क्या?